गाइस मेरा 1 वीक का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए कौन कौन तैयार है। चैलेंज क्या है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है तो आपकी स्किन में जान आ जाएगी, अगर पिंपल एक्ने के स्पॉट्स नहीं जा रहे तो वो खत्म हो जाएंगे, अगर आपकी झाइयों के मार्क्स हैं, आपके डार्क सर्कल बहुत ज्यादा है तो ये सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करेगा, इनफैक्ट आपकी स्किन में नई जान लेकर आएगा, आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट बनाएगा और आपकी स्किन इतनी ज्यादा दमक उठेगी कि खुद आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो अगर ये सारी कैटेगरीज आपको चाहिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। मैं कंप्लीट फेशियल बताने वाली हूँ नेचुरल तरीके से, जो आपकी स्किन को जवान भी दिखाएगा, टाइटन भी करेगा, यानी आपकी स्किन से रिंकल और फाइन लाइंस को भी दूर करेगा। ये मेरा फेशियल अगर आप 16 इयर्स की हैं तो भी कर सकते हैं और अगर आप 60 इयर्स की हैं तो भी कर सकते हैं, यानी 16 से लेकर 60 साल की उम्र के सारे लोग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जब भी आप कोई फेस वॉश यूज करते हैं या कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि ये फेस वॉश आपको गोरा कर देगा तो ये आपका मिथ होता है, यानी भ्रम होता है, क्योंकि जो फेस वॉश होता है वो आपकी आउटर लेयर से सारी डस्ट और इम्प्योरिटीज को हटाता है, स्वेट को हटाता है, लेकिन आपकी जो अंदर वाली लेयर होती है ना, हमेशा उस तक क्या चीज जाती है, फेशियल। तो चलिए आज का मेरा ये फेशियल आपके स्किन के अंदर जाके उनके पोर्स को बिल्कुल डीपली क्लीन करेगा और आपके स्किन को लाइटन करके ब्राइटन करेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और जमकर शेयर कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें मैंने इस्तेमाल करा है चावल का आटा। चावल का आटा क्या करता है, उसमें होता है वाइटनिंग प्रॉपर्टी, जो आपकी स्किन को अंदर से डीप क्लींस करता है, आपकी स्किन से डेड सेल को हटाता है, इनफैक्ट आपके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को भी बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज कर रहे हैं हनी का। हनी जो होता है चेहरे को नमी देता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है उसी तरीके से हमारी स्किन पर धीरे धीरे नमी खोने लगती है और नमी के खोने से हमारी स्किन पर रिंकल्स और फाइन लाइंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से हमें हनी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है इसमें रोज वाटर। रोज वाटर की जगह पानी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि रोज वाटर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से हमारा क्लींजिंग तैयार हो गया है। इसको फिंगर टिप्स की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई कर लूंगी और इसके बाद हम रेडी करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, टोनर। इसके लिए लेना है हमें 1 गिलास पानी और 3 चम्मच सौंफ। सौंफ आप देख रहे हैं ये वही वाले सौंफ है जो हम खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं या चाय में डालते हैं। 3 चम्मच सौंफ को हमें 1 गिलास पानी में बॉइल करना है जब तक वो आधा ना रह जाए। अब इसको मैं छन्नी की मदद से छान लूंगी एक स्प्रे बॉटल में और साथ में इसको अपने फेस पे इस तरीके से स्प्रे करूंगी। इसको स्प्रे करने का क्या फायदा है, इस टोनर में सबसे खास बात क्या है, ये आपके लार्ज पोर्स को श्रिंक करता है और आपके फेस पे एक अलग से ग्लो लेकर आता है, आपकी जितने भी फेस के बैक्टीरियाज हैं उनको किल करता है और आपकी स्किन को टाइट करता है। इसके बाद बारी आती है मास्क की। मास्क के लिए हम लेंगे केला, वो भी कच्चा नहीं पका हुआ। आपको लेना है 1 बाउल जिसमें डालना है 1/2 बनाना मैश करा हुआ, क्योंकि इसे पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। जितना भी आपका स्किन डैमेज हुआ है वो 1 वीक में जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो वो आपकी स्किन को रिपेयर करता है और जैसे ही एवरी वीक आप इसको लगाते रहेंगे तो जितनी भी डैमेज होगी आपकी स्किन रिपेयर बहुत बढ़िया तरीके से होगी, जिससे आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा। केले में वो कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी स्किन को सन बर्न, सन टैन से बचाता है और आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो लेकर आता है। दूसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे मास्क के लिए आलू का जूस। उसमें डालेंगे हम 1 से 2 चम्मच आलू के जूस के। ये स्किन को लाइट करता है, नेचुरल ब्लीच करता है और डार्क स्पॉट्स को फेड अवे करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे कच्चा दूध। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके आप इस फेस पैक को अपनी आईज पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फेस पैक ऐसे होते हैं जिनको हम आईज पे अप्लाई करने से मना करते हैं, लेकिन अगर आप इनको आईज पे छोड़ देंगे तो उससे क्या होता है, आपकी नॉर्मल स्किन वाइट हो जाती है और आईज आपकी ज्यादा डार्क लगने लगती है। तो उसको आप आराम से आईज पे इस्तेमाल करिए, 20 से 30 मिनट अपने चेहरे पे रखिए और ठंडे पानी से धो लीजिए। धोने के बाद नॉर्मल एलोवेरा जेल अपने फेस पे लगा लीजिए और यहाँ पर होता है आपका फेशियल डन। आपको इस प्रोसेस को 15 दिन में 1 बार जरूर करना है और जब भी धूप में जाएं तो सनस्क्रीन लगा के जाएं। तो गाइस आई होप आपको मेरा ये प्यारा सा फेशियल बहुत ही पसंद आया होगा। तो आपके इस पसंद के लिए, आपके कुछ करने के लिए बस आपका लाइक चाहिए और ढेर सारा शेयर, ताकि सब लोगों की स्किन इतनी फ्लॉलेस हो सके। और अपने प्यारे से कमेंट जरूर करिएगा, अपना प्यार जरूर जाहिर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेमेडीज के साथ। बाय, टेक केयर।